नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नए तरीके से चिकन करी की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से चिकन को बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो आज के चिकन बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर आधा किलो चिकन। चिकन को अच्छे से मैंने धो लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पर आधा चम्मच नमक। नमक हम बाद में भी डालेंगे, तो नमक थोड़ा सा अभी हम कम डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 चम्मच हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम डालेंगे 2 अंडे। दोनों अंडे डालने के बाद अच्छे से हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मसाले मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे आधा कप सरसों का तेल। अगर तेल आपको ज़्यादा लगे तो आप तेल कम करके भी ले सकते हो। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डाल देंगे 7-8 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी के, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा जावित्री, 4 लौंग, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। पहले हम फ्राई कर लेंगे। बड़े मसाले जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच दही। दही में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। अच्छे से दही में सभी मसाले मिक्स कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। दही में अच्छे से मसाले मिक्स कर लिया है। प्याज हमारा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे चिकन। चिकन डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में पहले अच्छे से चिकन को भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और चिकन को हम 3 से 4 मिनट पहले अच्छे से भूनेंगे, फिर हम डालेंगे बाकी मसाले। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से चिकन को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे तो। तीन से चार मिनट चिकन को अच्छे से मीडियम फ्लेम में भून लिया है। चिकन का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को स्लाइस में काट के, साथ ही हम डाल देंगे जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे। नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार। नमक हमने पहले भी डाला था तो नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। और 1 चम्मच हम डालेंगे कसूरी मेथी। बस मसाला डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में चिकन को और भूनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आज की रेसिपी अगर आप घर पे ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मसाला डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और ढक देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे, लेकिन बीच बीच में खोल के आप 2 से 3 बार स्पैचुला से चलाते भी रहिएगा। 10 मिनट बाद मसाले हमारा अच्छे से भून गया है और टमाटर भी हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। हम डालेंगे 1 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ही आप डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन मसाले डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके चिकन को ढक के पकाएंगे 15 से 20 मिनट, जब तक चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन बीच बीच में खोल के हम बार बार चेक भी करते रहेंगे ताकि चिकन हमारा कढ़ाई में ना जले।
तो लो फ्लेम में हम ढक के 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 20 मिनट हो गए चिकन को हमें ढक के पकाते हुए और चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, बस एक बार मिक्स करके गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये चिकन देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बस एक बार आप बनाइएगा ज़रूर। तो धनिया पत्ते डाल के गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तो तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी चिकन मसाला। ये देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चिकन को हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की चिकन की रेसिपी एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।